नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो में बात करेंगे जिया खान की मम्मी राबिया खान के एक स्टेटमेंट के बारे में, जो साफ साफ दर्शाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कौन था जिम्मेदार। पूरी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स हैं आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जिया खान की मम्मी राबिया खान जो कई सालों से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम में लगी हुई है, उन्होंने एक इंटरव्यू में आके एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बोला है कि जब जिया खान की मौत हुई थी और उसके बाद जब जिया खान का फ्यूनरल चल रहा था, उसी वक्त कई सारे लोग, कई सारे मीडिया वहां पे आए हुए थे, जो बार बार यही बोल रहे थे कि जिया खान डिप्रेस्ड थी, जिसके कारण जिया खान ने सुसाइड किया है। महेश भट्ट भी वहां पे आए हुए थे और महेश भट्ट ने भी यही चीज बोला है कि जिया खान डिप्रेस्ड थी। इस पे जिया की मम्मी राबिया खान ने महेश भट्ट को ये बोला है कि उनकी बेटी को कभी भी डिप्रेशन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद महेश भट्ट ने राबिया खान को चेतावनी दी थी, धमकी दी थी ये बोल के कि अगर तुमने भी ज्यादा बात की तो तुम्हें भी इंजेक्शन देके शांत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ ये पता चल रहा है कि जिया खान के साथ क्या हुआ होगा। और जैसे आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पहले भी रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पे रहती थी, जहाँ पे वो दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, नीरज केशव ये सारे लोगों के साथ मिलके और सिद्धार्थ पिठानी की हेल्प लेके सुशांत को ड्रग्स देती थी। और महेश भट्ट तो रिया चक्रवर्ती के मेंटर है, ये बात सबको पता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में महेश भट्ट का हाथ हो सकता है। और जिया खान के साथ जो प्लान किया गया था, जिसमें सफलता भी मिली थी इन लोगों को, सेम प्लान अप्लाई किया गया है सुशांत सिंह राजपूत पे। और जिया खान की मम्मी राबिया खान ने ये भी बोला है कि जिया और सुशांत के कातिल एक ही है, तो उनका इशारा यहाँ पे महेश भट्ट की तरफ है। महेश भट्ट को अभी तक इंटरोगेट नहीं किया गया। एक बार उन्हें एनसीबी ने बुलाया था जब ड्रग मामला उभर के आया था, लेकिन कुछ ही पल इंटरोगेट करके महेश भट्ट को बाइज्जत छोड़ा गया। और आज तक महेश भट्ट के साथ किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच पड़ताल नहीं की, उन्हें समोन नहीं किया। आपको इस पूरे घटना के बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।